करते हैं एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही डिटेल करेंगे, आप धैर्य पूर्वक रहिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए, यानी यहाँ पर आपको कथन के रूप में दे दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या किया गया, कथन के रूप में दे दिया गया है, और आप इसको क्या करना है, एक सेट के रूप में तैयार करके उसको देना है। तो देखिएगा, कह रहा है कि एक्स क्या लेना है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स कैसा लेना है भाई साहब, एक विषम प्राकृत संख्या लेना। तो ए बराबर हम ले लिए, एक्स के जगह पर क्या डालेंगे, तो एक्स के जगह पर कह रहे हैं एक विषम प्राकृत संख्या को डालना है। तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि एक विषम प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सर विषम जो होता है एक होता है, तीन होता है, पांच होता है, सात होता है, नौ होता है, डॉट 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 बहुत सारा ले सकते हैं। ऐसा इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि 10 से छोटा लीजिए, 15 से बड़ा लीजिए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया। तो सभी विषम प्राकृत संख्या को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट कथन के रूप में दिया था उसको हमने क्या किया, एक सूची के बद्ध के रूप में तरीका से हमने व्यवस्थित कर दिया। यही तो कहा था कि समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए, और हमने यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, और इसको हमने क्या कर दिया, सजा दिया। मित्रों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, एक पूर्णांक है, जो माइनस एक बटा दो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, माइनस एक बटा दो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और नौ बटा दो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। माइनस का एक बटा दो यानी एक बटा दो का मतलब होता है 0.5, यानी माइनस 0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक्स का एक से डालेंगे, और 9 बटा 2 का मतलब क्या होता है सर, तो 9 बटा 2 का मतलब 4.5 होता है, 9 बटा 2 का मतलब कितना होता है, 4.5 होता है। यानी एक्स एक पूर्णांक आपको लेना है, लेकिन क्या माइनस 0.5 से बड़ा लेना है, और 4.5 से क्या लेना है, छोटा लेना है। तो आप माइनस 0.5 से जब बड़ा चलेंगे, आप ऐसे नंबर लाइन पे देखते हैं, ये 0 होता है, फिर यहाँ माइनस होता है, माइनस 0.5 लगभग यहीं पर आएगा, और इससे बड़ा इंटीजर्स क्या होगा पूर्णांक, तो ए 0 होगा, इससे बड़ा क्या होगा, एक होगा, दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, या पांच ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 4.5 से वो क्या कहा, छोटा का, यहाँ पे 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत कितने आ गए, यहाँ पर 0.5 है माइनस का, और यहाँ पर इतना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। इस तमाम चीज को हम यहाँ पे लिख सकते, कैसे लिखेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या कहा, x एक पूर्णांक है जो माइनस एक बटा दो से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 9 बटा दो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू यहाँ पर जो बीच में आया उन तमाम चीज क्या क्या आ गया है, तो यहाँ पर 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, और 4 आया है। इसके बीच के संख्या को ले सकते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल साइन रहता तभी तो हम इसको भी ले सकते थे, लेकिन इक्वल तो है नहीं, तो फिर इसी को दोनों को हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है कि x सच डेट x एक पूर्णांक होना चाहिए जिसका वर्ग जब हम करेंगे ना तो वो 4 से क्या हो जाना चाहिए, बराबर, या तो 4 से क्या हो जाना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मान लेते हैं x बराबर हम 1 ले लिए, तो 1 का वर्ग करेंगे भाई साहब, तो 1 जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है 4 से छोटा है, अगर माइनस 1 ले लिए इसका वर्ग कर दिए तो इसका भी मान 1 आ रहा है, यानी ये भी आपको बात हो सकता है। अच्छा यहाँ पे 2 ले लिए x का मान, x बराबर अगर मान लीजिए 2 ले लिए, एक्स स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 जो कि 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और माइनस 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 2 का भी वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर या बराबर लेना ही है। तो यहाँ पर जो इत्तेफाक की बात दिया कि एक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर, तो क्या माइनस 1 ले सकते हैं भैया, तो आप कहेंगे कि सर माइनस 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एक्स का मान जब माइनस 2 लेंगे और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे भी कहा वर्ग करने पर या तो 4 होना चाहिए या तो 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 तो पूरी ही रहा, तो एक्स का मान कितना ले सकते हैं, माइनस 2 ले सकते हैं। इससे आगे चलिएगा तो माइनस 1 ले सकते हैं, माइनस 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 आता है, 4 से छोटा है, बिल्कुल ले सकते हैं। माइनस 1 से बड़ा क्या होता है, 0, 0 ले सकते हैं, तो 0 का वर्ग कीजिएगा तो 0, वो तो 4 से ऑलरेडी छोटा ही है। 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1, वो तो ही छोटा है, और 2 लीजिएगा तो 2 का वर्ग कीजिएगा, वो तो 4 ही होता है, और 4 के बराबर तक ही आपको लेना था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, x ऐसा पूर्णांक लेना है जिसका वर्ग करने पर, x का वर्ग करने यानी x ऐसा लेना है जिसका वर्ग करे तो 4 से मान क्या हो जाना चाहिए, छोटा या तो बराबर होना चाहिए,
और वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक। माइनस में भी हो सकता है और वो प्लस में भी हो सकता है। तो हमने माइनस टू लिया, माइनस एक लिया, जीरो लिया, एक लिया और दो लिया, और तमाम का आप वर्ग करेंगे तो या तो चार होगा या तो चार से क्या होगा, वो छोटा होगा। देखिये यहाँ पे कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स, लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो लोयल जब आप यहाँ पे लिखते हैं एल ओ वाई ए एल, तो जो एक बार आ रहा है उसी को लिखना है। तो यहाँ पे एल देखा हमने, एक आ रहा है एल लिख दिया, ओ देखा एक ही बार आ रहा है ओ लिख दिया, वाई देखा एक बार सॉरी एल तो दो बार आ रहा है तो एक ही लिखेंगे, क्योंकि जो चीज कई बार आता है उससे मतलब नहीं, कितनी संख्या में है उससे मतलब नहीं, कौन कौन आ रहा है ये मैटर कर रहा है। तो एल आ रहा है एल एक लिख दिया, ओ लिख दे दिए, और वाई आ रहा है और ए आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको ट्राइगोनोमेट्री में बताया था, ट्राइगोनोमेट्री में यहाँ पर हमने आपको बताया था, देखिएगा कि ट्राइगोनोमेट्री में कौन कौन आ रहा था, तो टी आर आई जी ओ एन एम ई आ रहा था। अगर आप इसे नहीं देखे तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो लोयल में आपने देखा कि एल ओ वाई ए आता है, जो एक लोयल शब्द का एक क्या है, अक्षर। जैसे आप यहाँ पर ट्राइगो का देख सकते हैं, ट्राइगोनोमेट्री इसके शब्द का अक्षर बनाया था टी, देखिए टी कहाँ है, ये टी लिख दिए। आर देखिए आर है, इससे मैटर नहीं कि तीन बार चार आ रहा है, लिखना एक ही है। आई देखिए आई एक ही आ रहा है, जी देखिए जी एक ही आ रहा है, ओ देखिए दो बार आ रहा है ओ देखिए, एन देखिए एन लिखना है, उसके बाद आपको क्या देखना है, एन के बाद आप देखिएगा तो एम आ रहा है तो एम को लिखना है, फिर ई आ रहा है तो ई को लिखना है, और वाई आ रहा है तो वाई को लिखना है। तो इस तरह से कोई भी अक्षर यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। रिपीटेशन क्या होता है, अलाउ नहीं होता है। तो आपने देखा कि लोयल शब्द का मैंने कैसे लिखा, एल ओ वाई ए लिखा, क्योंकि यहाँ पे एल दोबारा रहता है, इसका मतलब नहीं कि हम इसको दो बार लिख देंगे, एक ही बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांच में क्या दिया, ई एक्स सच डेट एक्स, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो वर्ष के ऐसे महीने को लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होता, 31 को छोड़ के जो जो दिन आता है वो सारे महीने को हमको क्या कर देना है, इंक्लूड कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फरवरी होता है, और एक लेते हैं हम लोग अप्रैल, अप्रैल लेते हैं, जून लेते हैं, और सितंबर लेते हैं, और नवंबर लेते हैं। तो इन तमाम में आप क्या देखते हैं, 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31। कह रहा है कि एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो इस तमाम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 31 दिन नहीं है, 31 दिन है सॉरी 31 दिन फरवरी में 31 दिन नहीं होता है, अप्रैल में 31 दिन नहीं होता है, जून में 31 दिन नहीं होता है, सितंबर में 31 दिन नहीं होता, नवम्बर में 31 दिन नहीं होता। इसको छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट बच गए, जैसे जनवरी हुआ, फरवरी तो हो गया, मार्च हुआ, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो, यानी जो भी चीज इसमें बच रहा है वो इसमें क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। तो लिखेंगे कि इन महीना को छोड़कर सभी महीने 31 दिन का होता है, और लिखना किसको है अपने को, तो जो 31 दिन के नहीं होते हैं, तो इन महीने को छोड़कर सब 31 दिन का होता है, तो इसी को लिखेंगे 31 दिन का नहीं होता। तो ये आपका सेट बन जाएगा, 31 दिन का नहीं होता, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें तमाम में 31 दिन नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो के से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजक की बातें कर रहा है, कॉन्स्टेंट की बात कर रहा है, तो वोवेल जो होते हैं भाई साहब वो होता है ए ई आई ओ यू होता है, ये पांच चीज को छोड़कर बाकी सब तो कॉन्स्टेंट होते, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, ई एफ जी एच आई जे के से पहले आता हो, और क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो के से पहले ए को छांट देंगे, ई को छांट देंगे, आई को छांट देंगे, और ओ तो है ही नहीं, बाकी जो बचा हुआ अपना क्या हो जाएगा, वो वॉवेल हो सॉरी कॉन्सोनेंट हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, यानी देखिए बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, वो हो जाएगा एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ये ऐसा लेटर्स है जो ए से के बीच में
कंसोनेंट का काम करते हैं, यानी वंशक का काम करते हैं, स्वर्ज का काम नहीं करते हैं। तो यही आपसे ये पूछ रहा है तो कि एक सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, व्यंजक है जो के से क्या होता है पहले आता है। तो के से आने वाले पहले तमाम ये के को लेना नहीं है, क्योंकि के से पहले आने वाले को लेना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एफ का जो सेट बन रहा है वो बी सी डी एफ जी एच जे बन रहा है। इस तमाम रूप में आप यहाँ पर क्या किए, क्वेश्चन 5 का पूरा आपने देख लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगले वीडियोस।